कर्नाटक विच पिछले कई महीने तो चल रहे हिजाब विवाद से हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत के मुख्य जज ने अपने अहम फैसले विच कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म विच जरूरी नहीं है, इसलिए विद्यार्थिना स्कूल की वर्दी पाए जाने तो इनकार नहीं कर सकती। अदालत ने अपने फैसले च कहा है कि स्कूल विच हिजाब पहनने पर पाबंदी जारी रहेगी। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने पूछा कि हिजाब पहनना जरूरी है। इन्ना ही नहीं, हाई कोर्ट ने हिजाब पहनने की इजाजत देने वाली सारिया पटिशनों भी खारिज कर दिता है। अदालत ने कहा कि विद्यार्थिना वर्दी पाने तो इनकार नहीं कर सकदियां, ना ही हिजाब से पाबंदी का विरोध कर सकदियां हन। इस दे नाल ही अदालत के फैसले से सियासी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई हैं। हिजाब विवाद के फैसले तो पहला बेंगलुरु में कुछ चीज़ों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर कमन पत्तन ने कहा कि 15 मार्च तो 21 मार्च तक एक हफ्ते लिए बेंगलुरु में जनतक थावां ते हर तरह के इकट्ठ अंदोलन प्रदर्शन ज समागम से पाबंदी लगाई गई है। स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियां के हुक्म दे दिए गए हैं और सारी प्रीख्यावां कुछ समय लिए मुलतवी कर दित्तियां हैं। हिजाब के फैसले के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने अज शाम 8 बजे तो 9 मार्च सवेरे 6 बजे तक धारा 144 लागू कर देती है। मान करती हूँ, संविधान का भी सम्मान करती हूँ। जो हमारी अदालती फैसला करें उसको हम सब लोग स्वागत भी करें और उसको मान लें। रहा ये कि हमारे देश के संविधान में सभी धर्म व समुदाय या आम नागरिक को इजाज़त है राइट टू चॉइस आर्टिकल 21 की। अब अगर शिक्षण संस्थान अपने नियम बना रहे हैं, अगर स्कूल में यूनिफॉर्म है तो हमें स्कूल का यूनिफॉर्म फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले एजुकेशन है, हमारे लिए सबसे पहले शिक्षा है। और इस्लाम में हिजाब पर कोई इतना बड़ी सख्ती और कानून नहीं किया है। उन्होंने कहा है एक आप सब और शालीन तरीके से सर को ढक लीजिए। अब चाहे वो दुपट्टे से झाँकें, चाहे वो घूंघट से ढाँकें, या हम अपने हिजाब से या स्कार्फ से ढाँकें। अगर हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म में अगर इस तरह की ड्रेस है और उस और किसी चीज़ को मना किया गया है, तो हम सब भी शालीन ड्रेस पहन करके स्कूल के यूनिफॉर्म को फॉलो करें, स्कूल के रूल को फॉलो करें। और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये आदेश हो गया है तो हम स्वागत करते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में लोग अपनी मनपसंद की ड्रेस पहनते हैं, कोई जीन्स पहन रहा है, कोई साड़ी पहन रहा है, कोई शलवार सूट पहन रहा है, तो स्कूल को छोड़ करके कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये सब चलता है। और हमारे आर्टिकल में, संविधान में राइट टू चॉइस आर्टिकल 21 का हमारा आदेश भी है, और कि राइट टू चॉइस का तो ये हमारे ऊपर है। और हमारे देश में हमारे भारत की बेटे और बेटियों को सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए।